हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर पैनल दिखा रहे हैं। किस तरह काम करता है ये और क्या कुछ लगा होता है इसके अंदर। तो ये बाहर से देखें तो ये 125 kVA का 3-phase AMF पैनल है। ये देख सकते हैं रेटिंग। ये वाली एक वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले लगी हुई है जो 3-phase को कंट्रोल करती है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज एंड SPP। SPP मतलब सिंगल फेज प्रिवेंटर है। ये एक जनरेटर का ऑटो मैनुअल स्विच लगा हुआ है। ये DG और मेन सप्लाई कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए है। हमारी जो मेन सप्लाई मीटर से आती है वो इस MCB के थ्रू आ रही है। नीचे से जो केबल आ रही है, एक यहाँ से आउटगोइंग होके ये एक बस बार में गई है एंड यहाँ से आउटगोइंग होके इस पैनल के अंदर गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है। ये देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ मेन इनकमर, ये वायर वही है जो वहाँ से बस बार से आई। और ये दो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं 150 एम्पीयर के। ये ऊपर बस बार है, ये जनरेटर की इनपुट है, DG इनपुट है, जनरेटर लाइन आप देख सकते हो जनरेटर लिखा हुआ है। ये इसका कंट्रोलर सर्किट है। ये जनरेटर की बैटरी चार्जिंग का है। ये कंट्रोल केबल्स हैं जो कि जनरेटर के पास जा रही हैं, जनरेटर को ऑटो मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए। और ये वाला आउटगोइंग लोड है, देख सकते हो पीछे से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। थैंक यू।